पटना साहिब विधानसभा कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। बिहार में चल रहा भारत जोड़ो यात्रा जो मंदार पर्वत बांका बिहार से शुरू होकर बोध गया जाएगी कि यात्रा बिहार के जिला से गुजरते हुए 10 फरवरी को पटना जिला पहुंच रही है। वैशाली जिला से यात्रा सुबह 9 बजे धनकी मोड़ कुम्हरार के पास पहुंचेगी। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से मौजूद पटना साहिब के पूर्व प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि यह यात्रा पहुंचने पर पटना सिटी के कई स्थान पर यात्रा का स्वागत एवं हजारों लोग शामिल होकर यात्रा को सफल बनाने का रूप रेखा तैयार किया जा रहा है। यात्रा का स्वागत तुलसी मंडी कुशवाहा पंचायत गुलजारबाग चौराहा नून का चौराहा पटना साहिब स्टेशन मोर्चा रोड कार्यालय भगत सिंह चौक पर जोरदार स्वागत की तैयारी की जा रही है। प्रेस वार्ता में उपस्थित सुजीत कुमार कसेरा ने बताया कि मारूफगंज गांधी मूर्ति शहीद भगत सिंह चौक खचकल्ला गांधी मूर्ति घुरट्टा गांधी मूर्ति बौली मोड़ एवं रास्ते में कई शहीद स्मारक पर गुरुद्वारा में मत्था टेकने पादरी की हवेली चर्च में प्रार्थना बड़ी पटन देवी मंदिर में पूजा एवं दरगाह रोड में मजार पर चादर पोशी भी की जाएगी। इस यात्रा से पूरे बिहार एवं भारत में आम जनों का अपार समर्थन मिला है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से पूर्व सचिव डॉक्टर विनोद अवस्थी यह जायसवाल शामिल थे। शौर्य न्यूज से गार्गी खत्री की एक रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भारत जोड़ो यात्रा का आगमन पटना साहिब में हो रहा है 10 तारीख को और सुबह से लेकर शाम तक पटना सिटी में परिभ्रमण कार्यक्रम है यात्रा का। तो ये यात्रा का स्वागत किस तरह से किस रूप में किया जाए, हमारे तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण कार्यकर्तागण सारे बहुत उत्साहित हैं। आम आवाम के बीच हम लोग जाके जो बोल रहे हैं, जल्ला वाले किसान जो हैं वो लोग उत्साहित हैं, वो लोग चाहते हैं कि अपनी समस्या से अवगत कराना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को। हम लोग चाहते हैं किसानों को सम्मानित करें, इस कार्यालय जो जहां आप बैठे हैं इसका भी उद्घाटन विधिवत उस दिन हो जाना चाहिए, करना चाहते हैं हम लोग। इसके अलावा कम से कम 28 पॉइंट ऐसा है जहां की स्वागत उनका करने के लिए लोग उत्साहित हैं। तो उस उत्साह को हम लोग कैसे इस पटना साहिब जैसे संकीर्ण गली वाले शहरों में सफलतापूर्वक ले जाएंगे, उसके लिए आपका सहयोग, आपका जितना प्रचार प्रसार हो वो आवश्यक समझते हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि 2 बजे गुरुद्वारा में हम लोग होंगे और गुरुद्वारा में इसलिए होंगे उस समय थोड़ा टाइम लगाना चाहते हैं कि स्कूली बच्चों का बस जो है निकल जाए, जाम के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होनी होती है वो तो आम बात है सिटी के लिए, लेकिन हम लोग उस समस्या में जितना कमी कर सकें वो करें। प्रशासनिक महकमे से भी अपील करते हैं कि वो अपना सुदृढ़ व्यवस्था रखें ताकि जो है सुविधा अनुसार यात्री यात्रा कर सकें और भारत जोड़ो यात्रा को अपने मुकाम तक पहुँचा सकें। इसका रूट क्या होगा यात्रा का? इसका रूट धनकी मोड़ से आएगी यात्रा और अगम कुआ पुल पर से होते हुए नून का चौराहा स्टेशन मोर्चा रोड पूर्व दरवाजा और गुरुद्वारा, इस दौरान पटन देवी मंदिर में उनकी पूजा होगी, उनकी पूजा गुरुद्वारा में होगी, उनकी पूजा चादर पोसी होगी एक जगह चर्च और पादरी की हवेली चर्च में भी करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो चारों धर्म सम्भाव को यहाँ पर हम लोग दिखाने का प्रयास पटना साहिब में ही करना चाहते हैं कि जो यात्रा का संदेश है नफरत जोड़ छोड़ो भारत जोड़ो, उसको यहाँ से किस तरह से प्रभावी तरीके से देश में फैलाया जा सके। जो राहुल जी ने संदेश दिया है 4,000 किलोमीटर चल के, उस संदेश को हम लोग यहाँ आम आवाम के बीच ले जाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि सर्वधर्म संभाव के साथ
नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। 10 तारीख को दिन शुक्रवार को हाजीपुर वैशाली से यात्रा आएगी। 9 बजे दिन में धनकी मोड़ कुम्हराड़ा के पास पहुँचेगी। वहाँ से हम लोग यात्रा के साथ और जो स्थानीय लोग हैं यात्रा के साथ चलेंगे, और बीच में कई जगह जैसे कि हमारे नेता प्रवीण जी ने बताया कि जगह जगह पे स्वागत का तैयारी हम लोगों ने किया है। और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान सरकार जो आज धर्म के नाम पे जो एक दूसरे लोगों को तोड़ने का काम किया है, हिंदू मुसलमान के बीच, ईसाई के बीच, सिख के बीच जो नफरत फैलाया है, हमारे राहुल गांधी जी ने इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी के लिए उन्होंने कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर, जो आदमी सोच सकता है कर नहीं सकता है, और उन्हीं के अनुपर चिन्हों पर चल के बिहार में भी 1200 किलोमीटर का पदयात्रा अखिलेश सिंह जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, और पटना साहिब में प्रवीण सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर यात्रा को सफल बनाएंगे। ये कार्यक्रम पटना साहिब के कांग्रेसियों और यहाँ की जनता को बड़ी सौभाग्य की बात है कि राहुल गांधी ने जो बेड़ा उठाया था कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर, और वही पैटर्न हमारे बिहार प्रदेश को AICC ने दिया कि आप भी बिहार में यात्रा करें, तो अखिलेश जी के नेतृत्व में मंदार पर्वत से चलकर हाजीपुर होते हुए यह सुबह में 9 बजे पहुंच रहा है पटना साहिब की धरती पर। वह आलमगंज खचकला प्रखंड और चौक मारसलामी प्रखंड के स्थान पर आएगा। इसमें कई एक पॉइंट भी बने हुए हैं, और ये धरती सारे धर्मों का है, सारे लोगों का है, व्यवसायियों का है। यहाँ बड़े बड़े योद्धा कांग्रेस से बड़े सिपाही रहे हैं, चाहे जोहरा अहमद हो, जमील अहमद हो, या रामलखन सिंह यादव हो, या शरद कुमार जैन हो, लगातार इस पटना सिटी में कांग्रेसियों का एक गढ़ रहा है। और सारे कांग्रेसी जो भी हैं बड़ी हर्षोल्लासित हैं इस बात से कि पद यात्रा जो चल रहा था वो पटना साहिब की धरती पर आ रहा है। हम वेलकम, स्वागत करने के लिए तत्पर हैं सारे कांग्रेसी। धन्यवाद। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।